हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ALP की वैकेंसी आई हुई है और बहुत सारे लड़के हैं जो फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिए हैं, जबकि आप लोगों से मना किया गया है कि कम से कम 1 फरवरी तक का इंतजार कर लो, क्योंकि 19 फरवरी लास्ट डेट है। अगर आप 1 फरवरी तक का इंतजार कर लेते हैं तो आप बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, ये FAQ है जो जारी किया है रेलवे ने ही, तो इसमें एक लाइन लिखी है कि क्या आप RRB को चेंज कर पाएंगे बाद में। अब मान लेते हैं अभी वैकेंसी बढ़ गई और अभी आपने ज़्यादा वैकेंसीज को देख के RRB बिलासपुर से कर दिया कि वहाँ पे 1100 वैकेंसीज है, साहब मैं वहाँ से फिल कर देता हूँ, जबकि आपका घर इलाहाबाद के अंदर है। अभी आपके इलाहाबाद में NR में कम वैकेंसीज दिख रही हैं। जब वैकेंसी बढ़ के आई तो आपके यहाँ मान लो 2300 हो गई और वहाँ पर 1100 की 1100 ही रह गई, तो फिर आपको बहुत ठगा हुआ महसूस होगा। आपको लगेगा मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी और आप फिर उसे चेंज नहीं कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी आप मैकेनिकल से डिप्लोमा या BTech हो, आपने किया कि भैया गए और जाके मुँह उठा के फिटर ट्रेड चूज़ कर ली या कोई और ट्रेड चूज़ कर ली कि साहब मैं तो ग्राइंडिंग कर लेता हूँ या मैं वेल्डिंग कर लेता हूँ, मेरा वेल्डिंग अच्छा है। ये आपका वेल्डिंग नहीं है, ये आपकी फिटेड ट्रेड नहीं है। कभी आप सोचो कि मैंने तो ग्राइंडिंग में मशीनिंग कर रखी है, यहाँ पे टूल कटिंग नहीं पूछी जाने वाली है। इसलिए जो लोग सेलेक्टेड हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, पहले उनके एक्सपीरियंस सुन लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मैकेनिकल से अगर किसी बंदे ने BTech किया है तो मैं उस बंदे को ये बता सकता हूँ, अगर उसका IC इंजन में इंटरेस्ट है तो उसके लिए डीजल मैकेनिक ट्रेड बहुत अच्छी है, क्योंकि IC इंजन, सिर्फ IC इंजन पढ़ के ही आप इस ट्रेड को क्वालिफाई कर सकते हो। सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लेके आने होते हैं इसमें, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मान लो इसके विपरीत आपने कोई और ट्रेड चूज़ कर ली, आप अपना BTech का या डिप्लोमा का पढ़ोगे यहाँ वो काम नहीं आएगा, ये समझ लो आप। ये ITI की ट्रेड है, DGET के सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो यहाँ थ्योरिटी वाला पोर्शन है, ये आपकी टूल कटिंग नहीं आएगी। यहां कभी तुम सोच रहे हो कि मैं साहब ग्राइंडिंग चुन लूंगा तो यहां पे ग्राइंडिंग वाली चीजें आ जाएंगी, यहां और आप में धरती आसमान का अंतर है। इसलिए इसकी चीज़ों का अगर आप लोगों को करना है तो इसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे मान लो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ डीजल मैकेनिक आपने चूज़ कर ली, तो डीजल मैकेनिक में हमें पता है कि क्या क्या आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पेपर दिए हैं, सारी बात पता है। आप बिना सोचे समझे अभी ट्रेड चूज़ ना करें, क्योंकि बाद में हो सकता है फिजिक्स और मैथ्स का ही ऑप्शन मिल जाए आपको। अगर टेक्नीशियन की वैकेंसी इसके साथ आ गई तो आपको हो सकता है कि फिजिक्स और मैथ का ही ऑप्शन मिल जाए, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो फिजिक्स और मैथ चूज़ कर सकते हो, क्योंकि जिन लड़कों के पास 12th है उन लड़कों को ऑप्शन मिल सकता है कि वो फिजिक्स और मैथ चूज़ कर लें अगर टेक्नीशियन इसके साथ आ गई तो ये बहुत अच्छी बात है। सारे डिप्लोमा BTech वाले फिजिक्स में ट्रेड चूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके जल्दीबाजी में अभी गलत ट्रेड चूज हो गई, अभी FAQ में बताया गया कि आपको सिर्फ वही चूज करनी है जो आपकी ट्रेड है, तो अब आपके पास भी फिर, तो जब तक आप सारी चीज़ें पढ़ नहीं लेते हो तब तक आप काम मत करो। मैं बता रहा हूँ अभी कम से कम 1-2 फरवरी तक का वेट कर लो, वैकेंसी अगर चेंज होगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, बोर्ड भी चेंज नहीं कर पाओगे बाद में, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। दूसरा है OBC सर्टिफिकेट का सीन। तो देखो OBC सर्टिफिकेट ये कहते हैं, ऐसा नहीं है जैसे UP गवर्नमेंट बना के देती है ऑनलाइन, तो वो सब चलता है, हम लोगों के चले हैं, हमने ग्रुप D में भी वेरीफाई कराया था, इसमें भी कराया, ALP में, सब में वेरीफाई कराया, वो चलता है, तो आप लोगों को उसकी टेंशन लेनी नहीं है। लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये याद रखना है, वो आपका केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट बनेंगे वो सब केंद्र सरकार के होंगे, राज्य सरकार के नहीं होंगे। अच्छा, आप कह रहे हो कि भैया सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? देखो, पहले सर्टिफिकेट बनवा लो, अभी टाइम है, आपका सर्टिफिकेट अभी का होगा, क्योंकि जब वहां जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए RRB में, तो वहां पर होता क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, वो कहते हैं कि एग्जाम फॉर्म से पहले वाला, उनका मन है, वो कहेंगे जब आपने फॉर्म फिल किया था तब का सर्टिफिकेट दिखा दो। तो फॉर्म से पहले का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC का, और फिर वो देखेंगे लेटेस्ट वाला जिस समय आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, तो 2 सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप एक सर्टिफिकेट आराम से बनवा लो, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 1 साल पहले 6 महीने पहले बनवाया तो वो भी चलते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर का अगर सर्टिफिकेट है तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिलहाल आप जाइए और एक आराम से ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाइए, वो सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये भी कई बार मांग लिया जाता है। इस तरीके की इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अच्छा, लेटरल एंट्री वाले बात कर रहे हैं, तो लेटरल एंट्री का भी मसला मैंने हल कर लिया है लगभग, तो आप लोग एलिजिबल ही रहते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके डिप्लोमा पे 3 ईयर लिखा हुआ आ रहा है, तो आप लोग एलिजिबल हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं कि आपको एक एक चीज ALP से रिलेटेड, टेक्नीशियन से रिलेटेड, ग्रुप D से रिलेटेड एक एक चीज के लिए गाइड किया जाएगा। पिछले साल भी हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, फिलहाल जो मेन फोकस है वो सब लोगों का इस बात पर है कि भैया वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए, तो आप लोग जो जिस तरीके से टीचर्स लीड कर रहे हैं उन चीजों को आप जरूर से जरूर फॉलो करें, और पहले वैकेंसी इंक्रीज कराने पर ध्यान दिया जाए, बाद में ये सारी चीजें होती रहेंगी। फिलहाल मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भैया जो चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं उन चीजों को फॉलो करो, और अभी 1-2 तारीख तक अवॉइड कर लो,
पहले चीज़ें गेन कर लो। जो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो आपको बहुत अच्छा सा बता रहे हैं, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मैंने खुद ने ट्रेनिंग के भी फोटो दिखा दूंगा आप लोगों को, सारी चीज़ें हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत ही अच्छी हैं अगर आप लोग इन चीज़ों को देख के समझ के, क्योंकि जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उनकी बातें अगर सुन लोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो और देखो जैसे अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे हैं भैया हमें कुछ कोटा मिले, आपको सिर्फ एज रिलैक्सेशन में फ़ायदा है, इसके अलावा आप लोगों को कोई कोटा नहीं है। जैसे ग्रुप डी में 20% कोटा था, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उनके जवाब बाद में मिलेंगे। फिलहाल जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको ये बताना था कि अभी फॉर्म क्यों नहीं भरना है, उस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो अभी फॉर्म फिल ना करें, पहले वैकेंसी इंक्रीज़ होने का वेट कर लो थोड़ा सा, अगर वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर 1-2 तारीख से भर लेना, 19 तारीख लास्ट डेट है, बहुत टाइम है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी मत कर लो अभी, कुछ मत करो, जो होगा उसी समय करना। आरआरबी वगैरह अगर चूज़ कर ली और बाद में वैकेंसी आपने जहाँ से फॉर्म फिल किया वहाँ कम रह गई और आपके पास जहाँ घर था अपने, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखो अभी आपको लग रहा होगा कि जॉब इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको लगेगा कि यार घर बहुत इंपॉर्टेंट है, घर के पास मिल जाती। इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी फॉर्म मत फिल करो, वैकेंसी इंक्रीज़ होने का नोटिस आने दो, जहाँ पर जितनी वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं फिर उसके बाद अपना अकॉर्डिंग देख के अगर घर के पास अच्छी वैकेंसीज है तो घर के पास भरो, तभी दूसरी जगह जाओ जब घर के पास ना हो। तो आई होप कि क्या करना है क्या नहीं करना है और डेंजर जोन क्या होती है ये सारी चीज़ें आप लोगों को कल बता दी जाएंगी वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक।